कई बार हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर की लाइफ ही जीते रह जाते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त पैसों को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। तो क्यों ना अभी से पैसों की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउजल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई सब्जेक्ट पर एक फ्रेश नजरिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की बुक फोकस करती हैं ऐसी चीजों पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेल किए जाएं या पोर्टफोलियो बनाया जाए। हाउजल लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबा लेते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट जानने की जरूरत नहीं है, आपको लालच को, असुरक्षा को, पॉजिटिविटी को स्टडी करने की जरूरत है। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज्यादा इस चीज से लेना देना है कि किस तरह आप बिहेव करते हैं। सही चीजों में एंगेज करें और चांस है कि आप सक्सीड कर जाएंगे। इसी तरह से चाहे आप में कितनी भी इंटेलिजेंस, समझ या अंदर की खबर हो, यह आपको गलत बिहेवियर से उपजे रिजल्ट से नहीं बचा सकती है। बुक का हर चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स फेलियर की। इस बुक में मनी से जुड़े बहुत सारे लेसन्स पर बात की गई है। कुछ लेसन्स हमारे कुछ निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं, दूसरे लेसन्स हमें लाभकारी आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन लेसन्स की खूबसूरती ये है कि इन्हें कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए या बहुत बड़ी एजुकेशनल डिग्री वालों के लिए नहीं है। ये बुक आपका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगी। ये मुश्किल नहीं है। ऑथर हमको अश्योर करते हैं, पैसा बनाने के लिए सिर्फ अनुशासन, सब्र और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की जरूरत होती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारे वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए फिर इस बुक के 12 इंपॉर्टेंट लेसन को डिटेल में समझते हैं। नो वन इज क्रेजी। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालातों, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपका अपने पैसों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना 0.00000001% है। लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को रोक नहीं सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या ओपन माइंडेड हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसको एक पतले से रेशे के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। यूएस में लॉटरी खरीदने वालों पर गौर करें। लो इनकम वाले लोग सालाना इस पर $400 तक खर्च करते हैं, यानी कि लगभग 30,000 रुपए। ये नंबर हायर इनकम वालों को भी चौंका सकता है। इसे पैसों की एक उम्मीद और ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लक एंड रिस्क। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन लक और रिस्क भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े हैं जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर टीचर बिल डगाल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस टाइम पर एक $3,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को सेम करियर में सक्सेस मिलती। बिल गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवांस। केंट एवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनके ग्रेजुएशन से पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसे एक बैड लक के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो रियलिटी हैं जो हर एक की लाइफ में उसके खुद के एफर्ट के अलावा भी उसके आउटकम पर असर डालती हैं। ये दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि सिर्फ आपके एफर्ट्स के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। नेवर इनफ। ये कहानी है राइटर कर्ट और जोसेफ की, जो एक बिलियनर की पार्टी में शामिल होते हैं।
कर्ट ने कहा कि ये बिलियनर एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने पॉपुलर नॉवल से आज तक कमा नहीं पाए हैं। हेलर ने कहा, हाँ लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वह एनफ यानी कि बहुत। जो आपके पास है उसे खतरे में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल्स ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। इनफ होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीजें रिस्क लेने लायक नहीं होती हैं, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो, जैसे कि रेपुटेशन, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे के पैसों के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है। वो सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वो कंसिस्टेंट 75 सालों तक एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। इनके फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। अच्छे इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रह सकें और लंबे समय तक इसे दोहरा सकें। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग माइंडसेट और स्ट्रेटजीज चाहिए। पैसा पाने के लिए रिस्क लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरत होती है ठीक इसके उल्टे की। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोंटिस, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले रिवॉर्ड्स पर रेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सक्सेस आने वाले कल की सक्सेस में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं, इतने कैपेबल बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। हर प्लान में गलती के लिए जगह रह जाती है। जितना आपको अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक खास एलिमेंट की जरूरत होगी उतना कमजोर आपका प्लान होगा। आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सक्सेस के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। टेल्स यू विन। ये कार्ड कलेक्टर हेंस ब्रिगेन की स्टोरी है। उन्होंने पिकासो, बर्कस, क्लीस और मेट्रेसेस की एक अमेजिंग कलेक्शन इकट्ठा की। लोग उसके आर्ट में इन्वेस्ट करने की कला से भौचक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी कि उसने बहुत ज्यादा संख्या में आर्ट खरीद लिए थे। उसके कलेक्शन का कुछ ही हिस्सा वैल्यूबल था। बर्गन कई बार गलत भी हो सकते थे, फिर भी आखिर में वो सही निकलते थे। कोई भी चीज जो विशाल हो, प्रॉफिटेबल हो, फेमस हो और इन्फ्लुएंशियल हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं, कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं, कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाती हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टेल ही बिजनेस इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो मिलियनेयर बनना चाहते हैं, इसका असली में मतलब ये है कि वो $1 million खर्च करना चाहते हैं। $1 million खर्च करना मिलियनेयर बनने का बिल्कुल उल्टा है। वेल्दी और रिच के बीच में डिफरेंस ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच हैं, बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि वो रिच हैं। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में कैपेबल होना जिसकी आपको जरूरत है। सेव मनी। एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद तीन तरह के लोग होते हैं, एक जो सेविंग करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं, तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं और फील करते हैं इसके बारे में चिंता ना करें।
अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। रीजनेबल, रैशनल एंड रूम फॉर एरर। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल ठंडे होकर ना रहें, रीजनेबल होने का लक्ष्य रखें। रीजनेबल होना ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पैसा बनाने के चांसेस टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सैगन, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कहते हैं, चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई हैं वो पूरे टाइम होती रहती हैं। याद रखें, बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं होती हैं। ब्लैक जैक या पोकर के प्लेयर को पता होता है कि वो संभावना के साथ खेल रहे हैं, निश्चितताओं के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीज़ों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती हों। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि ऑड से चलती है, ना कि सर्टेनिटी से। ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना या एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करके फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये होता है कि आप अपने खर्च और ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग के। रेनी डे फंड्स एक अच्छा आइडिया है उन चीज़ों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यू विल चेंज। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की नीड्स वॉन्ट्स वो नहीं होती हैं जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की नीड्स या वॉन्ट्स होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान चेंज होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 सालों में उसका कोई मतलब ही ना रहे। संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे डिसीजंस को आगे बढ़ाते जाना जबकि नुकसान की भरपाई होना पॉसिबल नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक डेविल का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे पास्ट का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन लेता है। जैसा कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए, अब आप इसको कंटिन्यू रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं कि आप पैसा बना लोगे। जो चला गया वो संक कॉस्ट है। जरूरी ये है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी गई चीज़ों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसको चुकाने के लिए तैयार रहना। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट में नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। इन सारी चीज़ों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम रियल में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोगों में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गवा भी देता हूँ। तब अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं तो चीज़ें अलग दिखती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। द सिलेक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये उससे ज़्यादा स्मार्ट भी लगती है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पर बंदी बना लेती है और हम इस पर पॉजिटिविटी से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो वो आपसे दूर निकल जाएंगे या आपको उलझन भरी निगाह से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कैनेमैन कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता की एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनाइजेशन खतरों को अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा अर्जेंट मानकर काम करते हैं और उनके सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ईयर 2000 में जब ऑयल के प्राइस बढ़े, कुछ खास तरह के ऑयल निकालना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो सका। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी हैं और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और प्रॉब्लम्स को नए सॉल्यूशन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। खतरों के साथ सेम मैग्नीट्यूड के सॉल्यूशन भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नेगेटिव थिंकर द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन सेटबैक और डिजास्टर जल्दी और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। बहुत सारी ओवरनाइट ट्रीटीज होती हैं, लेकिन शायद ही कभी ओवरनाइट मिरेकल होते हैं। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा वक्त लेती है। डिस्ट्रैक्शन होते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से, जो कि कुछ सेकंड में हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस लूज होना, वो भी एक झटके में हो जाता है। कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और बिलीफ को हाईलाइट करते हैं। हाउसल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है, इंडिपेंडेंस। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में प्लेजर खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास लोन के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर ये एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपने 20% एसेट कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है।
वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह रोक टोक ना करें। हाउजल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउजल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, ये बहुत मुश्किल है और जो ज्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो स्ट्रेटेजी चूज करनी चाहिए जिसमें उनके गोल पाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। ज्यादातर इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देकर जाता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।